राजस्थान में लगातार कोरोना का तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। राजस्थान में आज की अगर बात की जाए तो 25 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए। झुंझुनू जिले में 6, जोधपुर में 7, चूरू और बांसवाड़ा में 2-2, भीलवाड़ा के अंदर और बीकानेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया। आपको बता दें कि ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बीकानेर की अगर बात की जाए तो 60 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। झुंझुनू में मिले सभी 6 पॉजिटिव तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। चूरू के 2 पॉजिटिव भी तबलीगी जमात से आए। और इसी के साथ राजस्थान में अभी तक कोरोना पॉजिटिव कुल 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार प्रदेश में तेजी से कोरोना का ग्राफ यहां बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में भी अब संकट के बादल कहा जा सकता है कि मंडराने लगे हैं। 25 नए कोरोना पॉजिटिवों की आज सुबह तक अभी तक पुष्टि हो गई, माफ कीजिएगा, 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई है पूरे प्रदेश भर में कोरोना के चलते। पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 200 का आंकड़ा पार कर गई है प्रदेश के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई। भीलवाड़ा और बीकानेर में 1-1 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आज सामने आए हैं। ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट जब सैंपल के लिए भेजी गई तो 6 भारतीय यहां पर कहा जा सकता है कि ईरान से जो आए गए थे पॉजिटिव पाए गए। बीकानेर में कल एक 60 वर्षीय महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई। इस प्रकार से प्रदेश में कुल 4 लोगों की अभी तक कोरोना के संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। तबलीगी जमात से आए हुए काफी सारे लोग पूरे प्रदेश भर में अब कोरोना की पुष्टि यहां पर उन लोगों की होती जा रही है। तेजी से ग्राफ यहां बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश भर में कोरोना का। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो 55 मामले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के राजधानी जयपुर से सामने आए। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, काफी ज्यादा भयावह माहौल प्रदेश में भी होता जा रहा है। संकट के बादल कहा जा सकता है कि गहराने लगे हैं। 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं कोरोना पॉजिटिव की संख्या। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, इसमें जो चिंताजनक बात है वो ये है कि तबलीगी जमात के लोग अभी कहां कहां और छुपे हुए हैं जी, उन्हें ढूंढना और ढूंढ के आइसोलेट करना सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। बिल्कुल। और राजस्थान में जो स्थिति भयावह हो रही है वो दरअसल इसको इस तरह देखा जाना चाहिए कि हम जो 200 के ऊपर आंकड़ा देख रहे हैं जी, उसमें मैं समझता हूँ 20-22 लोग तो वो जो ईरान से आए हैं जी, उसमें राजस्थान का कोई दोष नहीं है, वो ईरान से ही लेके आए हैं जी, आइसोलेटेड है, वो फर्दर सोसाइटी में नहीं फैला सकते। आए हैं भारत में, जिस दिन से उनको जोधपुर में रखा गया, बाड़मेर में रखा गया, तो वहाँ उनको आइसोलेशन में ही रखा गया है जी, इसलिए उनसे कोई चिंता की बात नहीं है मेरे ख्याल से, वो अंडर मेडिकल सुपरविजन है। अब जो रामगंज के लोग थे, एक व्यक्ति की नादानी की वजह से रामगंज में 30-32 लोग हो गए, बिल्कुल, और भी शायद रामगंज से आएंगे, तो वो एक व्यक्ति ने किए। भीलवाड़ा में 26 हुए, उनमें 17 ठीक हो गए। तो हमारे मेडिकल सिस्टम ने बीमार हुए लोगों को ठीक करने का काम तो किया जी, लेकिन हमारी जनता में जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ही बर्बादी ला सकता है जी, उसके प्रति अभी भी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसका बड़ा अफसोस है। और जितना सरकार कोशिश कर रही है बचाने की लोगों को जी, उतना लोग खुद ही आग में कूदना पसंद कर रहे हैं, इस बात का बहुत ही दुख है। और इस वक्त राजस्थान के सारे सरपंचों को, सारे वार्ड पंचों को, सारे नगर परिषद के पंचों को, वार्ड मेंबर्स को, सारे नगर परिषद के अधिकारियों को जी, चुने हुए पालिका अध्यक्षों को, एमएलएज को, जिला प्रमुखों को, सबको मिलके और अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जो जनता है जिसने उनको वोट दिया है, उसकी जिंदगी की हिफाजत के लिए उस जनता को समझाना चाहिए। ये सरकारी अमला बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है गांव गांव में फैला हुआ, पंचायत राज है, जो सरपंच है, जिला प्रमुख है या और भी जो लोग हैं, वो गांव गांव में फैले हुए हैं, वही अपने गांव में सीधे टच में है लोगों के जी, जी। उन्हें ही जरूरत है इस बात की,
और एमएलएज है उनको अपने अपने नीचे के सरपंचों को प्रधान को उनको कहना चाहिए कि आप सब लोग सक्रिय हो, लोगों को समझाओ, घरों में रहे, आइसोलेटेड रहे, ज्यादा मिले जुले नहीं किसी से, अपने घर परिवार के अंदर भी दूरी बना के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोएं और मुंह के और नाक के कान के आंख के आंसना लगाएं जी। ये सब एजुकेशन की जरूरत है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बस की ही बात है, उसको काम करना चाहिए जी। मेडिकल सिस्टम ने हमारे बहुत बचाया, हमको 3-4 मौतें हुई है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है राजस्थान के लिहाज से, इतना बड़ा प्रदेश है जी सर, और एक उत्सवों का मेलों का प्रदेश है, तीज त्योहार गीत गणगौर सब होते रहते हैं यहाँ पे, जो सब रोगियों ने रोके हैं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला, बाद बाद में जुलूस निकलते हैं, मटकी लेके महिलाएं घूमती हैं कलश लेके, वो सब रोक ली राजस्थान की जनता ने इसलिए। और दूसरी बात, राजस्थान की जनता के लिए इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में भामाशाह निकल के आए, संस्थाएं निकल के आई हैं, किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे, सरकार के साथ कदम से कदम मिला चल रहे हैं, लेकिन जो एक आध लोग निकल आते हैं और वो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, अब उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए पता नहीं चलता है, इतने करोड़ लोगों में कौन आदमी सिरफिरा हो, कौन आदमी जहालत कर दे, ये वाकई अफसोसजनक बात है। जनता को खुद को ही दूर रखना चाहिए लोगों को, और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ये फैलने से बचेगा, नहीं तो 200 की संख्या कई गुना हो जाएगी जी, इससे बचना बहुत जरूरी है जी। जी अनिल जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से सरकारें और जनता भी अब आमजन आगे आकर लोगों का सहयोग करने लगे हैं, काफी प्रतिबद्ध लोग नजर आ रहे हैं संकट से उबरने के लिए, इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कल का दिन अब तय किया है, कल अपने संबोधन में ये बात कही कि रात के 9 बजे सभी लोग अपने घर की जो लाइट्स है उनको स्विच ऑफ करके एक दिया या फिर किसी भी रोशनी के माध्यम को लेकर अपनी अपनी बैल्कनी में आकर के उन लोगों के प्रति अपनी अपनी जो क्या उसे कह सकते हैं अपनी नहीं, उन्होंने ये नहीं, पर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रकाश जलाए अंधकार को दूर करने के लिए, इस पूरे लोगों के प्रति जो करना था वो तो तालियां बजवा ली, उन्होंने थालियां बजवा ली जी। अब जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि प्रकाश उत्सव मनाओ, प्रकाश अंधकार से, बीमारी के महामारी के अंधकार से लड़ने के लिए हमारी ये एकजुटता साबित करो, रोशनी जलाओ, दिया जलाओ जी। अभी प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है इसका मंतव्य तो वही जाने जी, मैं उसको इस वक्त एलोबरेट नहीं करना चाहता, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग और प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक लोग इस बात की चिंता करें कि हमारा मेडिकल सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन हो जी, हमारा फूड सिस्टम सप्लाई सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन हो, और जिसके पेट में भूख है, जो जिसके घर में बीमार है और जिसको दवा की जरूरत है, जिसको दूध की जरूरत है, जो नई प्रसूता जिनके बच्चे हो रहे हैं, उन सब के लिए पूरे देश का सिस्टम कैसे एक्टिव हो, कैसे हर आदमी को तकलीफ से बाहर निकाले, इसकी चिंता करने की मेरी दृष्टि में ज्यादा जरूरत है जी जी। और दिया जलाना प्रधानमंत्री का आह्वान है, और वो उन्होंने क्यों कहा, इससे क्या होगा, इसके पीछे उनका अपना सोच होगा जी। उसको मैं तो जानता हूँ, मैं उस बारे में अधिक चर्चा करना चाहता, मैं तो बात ही करना चाहता हूँ कि देश में वेंटिलेटर पूरे हैं कि नहीं है जी। कितने वेंटिलेटर आयात किए जा रहे हैं, मास्क पूरे है कि नहीं, कितने बनाए जा रहे हैं, कितने ऑर्डर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, ये बातें बताई जाए जनता को, तो जनता में विश्वास जगेगा कि हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकारें जी लड़ रही हैं और हमें इस अंधकार से मुक्ति दिलाएंगी, इस महामारी से मुक्ति दिलाएंगी, तो वो एक विश्वास कि देश में किसान की फसल कट रही है तो वो फसल बिक पाएगी नहीं बिक पाएगी, काट पाएगा नहीं काट पाएगा जी, और कैसे कितनी लंबी भी चल सकती है महामारी, इसका अंत किसी को नहीं पता, महीने चले, 2 महीने चले, 4 महीने चले, तो जिस दिन तक एक भी भारत में कोरोना वायरस पीड़ित होगा तब तक हमें चिंता रहेगी, पूरा देश हो सकता है एक आदमी जी जी, है ना, तो इस लंबी सोच के साथ मैं न तो इसके पक्ष में न विपक्ष में जी, ये आह्वान देश के नेता का है, लोगों को तय करना है, उन्हें मानना है क्या करना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को ये बताया जाना चाहिए कि उसके लिए वेंटिलेटर की कमी नहीं है, मास्क की कमी नहीं है, दवा कौन सी ईजाद हो रही है, कितने लोग आइसोलेशन में है, और अपील की जानी चाहिए, और ये भी उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ अगले संबोधन में कहेंगे कि जो लोग डॉक्टर्स पर इन पर हमला कर रहे हैं, इनके साथ जी, जी, ऐसे जो कर रहे हैं उन पर रासुका लगेगा या कड़ी कार्रवाई होगी जी, ये भी उनको देश के नेता के रूप में बिल्कुल समाज विरोधियों को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपको एक बार फिर से बता दें, प्रदेश भर से आपको अपडेट दे रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा है 200 के पार यहाँ पहुंच गया है, लगातार यहाँ पर ग्राफ पे तेजी देखने को मिल रही है, आए दिन केसेस सामने आ रहे हैं, अगर आज की बात की जाए तो 25 नए पॉजिटिव केसेस प्रदेश भर से सामने आए कोरोना पॉजिटिव के।